मेरे ख्याल से याददाश्त में बहुत ज्यादा आपने उसको जिया होगा, और बाकी सब लोग क्योंकि भारतीय हैं तो उनको ऐसा लगता है कि इसको ज्यादा पता है, है ना। तो आपकी कितनी तैयारी थी और आपके लिए कैसा है अमर सिंह चमकीला बनना? सत श्री अकाल जी सारे नु, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। मेरे को लगता था कि मुझे चमकीले के बारे में बहुत पता है, ऐसा मेरा मानना था इनसे मिलने से पहले। अच्छा, इम्तियाज सर से मिलने से पहले मुझे लगता था कि मैं चमकीले को सबसे ज्यादा जानता हूँ। हमें जब पता चला कि बॉलीवुड में फिल्म बन रही है चमकीला, तो हम सोचा ये क्या बनाएंगे, मतलब हम बनाएंगे। हमने जोड़ी फिल्म भी बनाई एक। अच्छा, जिसके हमें राइट्स नहीं मिले तो हमने ऐसे एक फिक्शन बना दी। तो मुझे था कि जो अभी लोगों के दिमाग में भी है कि पंजाबी गाने हिंदी में कैसे बनेंगे, वो रिक्रिएट नहीं हो सकते, तो ये लोग क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे पंजाबी में। तो हमने ऑलरेडी बना दी एक फिल्म। अच्छा, और मुझे लगता था कि ये लोग नहीं बना पाएंगे। जब हमने फिल्म बना दी, कोविड आ गया, फिल्म रिलीज नहीं हुई, मुझे सर की कॉल आई, इम्तियाज सर की। मुझे लगा ये सू करेंगे हम पे कि इनके पास राइट्स हैं और हमारे पास तो राइट्स नहीं थे। तो ये बोले कि मैं तुम्हें लेना चाहता हूँ चमकीला में। मैं कहा जी पहले मेरे से कहानी सुन लो, हमने फिल्म बना ली है ऑलरेडी। हाँ। अगर आपको लगता है फिर भी कि आप मेरे साथ बनाना चाहते हैं तो ज़रूर। हाँ। तो जब मैंने इनका पर्सपेक्टिव सुना तो वो बिल्कुल अलग था। अच्छा, वो चमकीले की फिल्म थी और वो चमकीला जिसके बारे में शायद मैं भी नहीं जानता था। क्या बात है। मैंने चमकीले के गाने सुने हैं, ये बात सच है। मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक लिरिसिस्ट है, एक गाने वाले हैं, एक संगीत बनाने वाले लेजेंड है हमारे पास। चमकीला खुद लिखता था, खुद म्यूजिक उसकी धुन बनाता था, खुद गाता था और स्टेज पे खुद प्ले करता था वो। तुम भी तो, वो इतना बड़ा आर्टिस्ट था वो। वाकई वाह। तो उसकी स्टोरी इतने बड़े पर्दे पे कही जानी मेरे लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके गाने की चॉइस के पे डिस्कशन और हो सकती है, लेकिन चमकीला अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। तो जब इन्होंने मुझे सर ने ऑफर की फिल्म, तो जो इन्होंने कहा, क्योंकि मैं सरेंडर कर गया जब इन्होंने चीज़ें बताई जो मुझे भी नहीं पता थी चमकीले के बारे में, वो कैसे खड़ा होता था, कैसे बोलता था। फिर मुझे लगा कि यार म्यूज़िक कैसे करेंगे आप लोग। हाँ। तो फिर जब ए आर रहमान सर हों, मतलब शाह सर हों, मोहित जी हों, तो ऑब्वियसली म्यूज़िक तो सारा इन्होंने संभाला। गाने पंजाबी में हैं जो स्टेज पे हैं, जो चमकीले के हैं। बाकी जो गाने हैं वो बैकग्राउंड में हिंदी सॉन्ग्स दोबारा रिक्रिएट किए गए हैं। बहुत सारे फैंस को ये दुविधा है कि गाने कैसे होंगे। गाने पंजाबी में, चमकीला हिंदी में नहीं गाया जा सकता, उनके ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं। फिर मेरे को टेंशन थी कि अमरजोत कौन बनेगी। हाँ। अमरजोत कौन गाएगा, क्योंकि वो चमकीला से भी टफ गाती थी। वाह। तो जब उन्होंने बोला परिणीति जी हैं, तो मैंने इनके गाने सुने हैं, गा लेते हैं, पर अमरजोत को गाना एक अलग बात है, बहुत ही अलग बात, जो कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है जी। बहुत बहुत ही अच्छा इन्होंने अपना रोल निभाया। तो जो जो सर ने कहा जी, इम्तियाज सर ने, मैं तो सरेंडर कर गया। ये बोले खब्बे देखो खब्बे देख, सज्जे देखो सज्जे देख, तो वो सत श्री अकाल जी सर। ठीक है भाई साहब, इसके बाद खब्बे सज्जे के बाद हम सीधे देखेंगे। ठीक है, चमकीला जैसा आर्टिस्ट जिसका जो है